खबर है। मिर्जापुर से पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के साथ विधानसभा शांति उपचुनाव सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत क्षेत्र में बूथों पर लगातार भ्रमण के दौरान मतदान केंद्र हरगढ़ टिप्पी का निरीक्षण किया। मतदान करने आए करीब 82 वर्ष के वयोवृद्ध दंपति का सकुशल कराया गया मतदान, शांतिपूर्ण मतदान जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। ये कौन सा गांव है? चितौली। आज वोट दे चुकी आप? हाँ। पहली बार। क्या सोचा था, क्या सोचकर गई थी, किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया है? हमने ये सोचा है कि जो हमारी मतलब मांगे हैं वो पूरी की जाए, मतलब कि हर एक मिले हमें। पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? बीए। इसके पहले कौन विधायक थे आपका? दयाराम। कौन सा गाँव है ये? करनी भाव। वोट दे दिए? हाँ डाल दिए। क्या सोच कर आप गए थे वोट देने के लिए? सोच के गए थे। कैसा विधायक हो आपका? विधायक अच्छा हो। क्या चाहते हैं? बदलाव। अब भाई अब बदलाव हो, नया प्रत्याशी है विकास को लेकर। हाँ। महंगाई और बेरोजगारी, क्या चाहते हैं इस पर कुछ परिवर्तन हो? परिवर्तन भाई हो तो अच्छा हो, तो सरकार के मुंह के ऊपर है। जनपद मिर्जापुर में आज जो बाय इलेक्शन हो रहा है चांदो विधानसभा का, वो सकुशल ढंग से उसको संपन्न कराया जा रहा है, और जो सिक्योरिटी प्लान है इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुसार वो ग्राउंड पे भी इंप्लीमेंट किया गया है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्लस्टर मोबाइल इत्यादि बनाई गई है। हर सेंटर पे हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री तैनात की गई है, जो 3 नक्सल वाले सेंटर्स हैं वहाँ पे 1 सेक्शन पैरामिलिट्री की तैनात की गई है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लगने वाला बॉर्डर है वहाँ पे भी चेक पोस्ट और बैरियर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी मानकों के अनुसार हम और डीएम साहब स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील है, और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि आज का चुनाव सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाए।